नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस सेंट्रल जोन, एबिड्स पुलिस स्टेशन और कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन, ये लोग मिलकर एक इंटर स्टेट नोटोरियस क्रिमिनल गैंग को अरेस्ट किए और ये अरेस्ट कल हुआ, जिसमें कि टोटल 6 नोटोरियस क्रिमिनल जिन्होंने ऑटोमोबाइल थेफ्ट और हाउस बर्गलरीज किए थे। ये केस का पूरा डिटेक्शन हुआ और अभी तक 35 लाख वर्थ आइटम्स का रिकवरी हुआ, जिसमें ज्वेलरी, बाइक्स और इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। इस इंटर स्टेट क्रिमिनल गैंग का जो लीडर है वाजिद सन ऑफ महबूब, ये ओरिजिनली बीदर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और इसके दूसरे जो गैंग मेंबर हैं शेख सोनू, वो भी बीदर का रहने वाला है। एक अब्दुल समीर एलियस शोहेब, ये वाटेपल्ली हैदराबाद का रहने वाला है और इसके ऊपर एक पहले मर्डर केस भी था, एक रॉबरी केस भी था और 2 ऑटोमोबाइल थेफ्ट में भी ये पहले इन्वॉल्व था। इसके अलावा बाबू राव एलियस राजू, ये बीदर का रहने वाला है जो कि एक तूफान ड्राइवर का के रूप में काम करता है। मोहम्मद समीर शाहिद अभी एब्सकॉन्डिंग है, आमिर भी अभी एब्सकॉन्डिंग है, इलियास भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस पूरे केस में 2 रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी की भी गिरफ्तारी हुई है। इम्पॉर्टेंट इशू इसमें यह है कि अब्दुल समीर एलियस सोहेब ये पहाड़ी शरीफ का एक मर्डर केस में पहले इन्वॉल्व है और मैलार देवपल्ली में एक रॉबरी केस और 2 ऑटोमोबाइल थेफ्ट। आपके सामने जो प्रॉपर्टी बरामद हुए उसमें 23 मोटरसाइकिल्स, गोल्ड ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, लैपटॉप और इस तरह के बाकी सब चीज़ भी रिकवरी हुए। जो पुलिस स्टेशन जहाँ के केसेस डिटेक्ट हुए हैं उसमें एबिड्स, चंदानगर, राजेंद्र नगर, राय दुर्गम, रामचंद्रापुरम, नारसिंगी, जहीराबाद, मुनिपल्ली, गोलकुंडा, शंकरपल्ली, सदाशिवपेट और इस तरह के केसेस डिटेक्ट हुए हैं। टोटल यूनिट वाइज हैदराबाद के 4 केस, साइबराबाद के 15 केसेस, राजकोंडा के 1 और संगारेड्डी के 6 केस डिटेक्ट हुए। अब हम लोग इनके खिलाफ पीडी एक्ट का भी प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू। वो कहीं से भी डाल सकते हैं, वो हम लोग हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा सब लोग मिलकर काम करते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग वी आर इन रेगुलर टच विथ ऑल द कमिश्नर्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक। पर्पस है दैट ये क्रिमिनल सब जेल में रहें।